हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। घर पर भी सब अच्छे हैं। घर पर ना मैं और अक्षु के पापा और अक्षु के दादा ही हैं, सिर्फ अक्षु नहीं है, क्योंकि अक्षु गया है अपनी नानी के घर। और ना मैं ना कबूतरों को इतनी बार उड़ा रही हूँ, बस बार बार आए जा रहे हैं, देखो आने वाला है ना। और अक्षु क्या है अपनी नानी के घर, वो कल गया है। कल मतलब छोटे वाले नाना आए थे उसके, तो वो लेकर गए हैं, मतलब आए थे तो सौर्य कार्तिक भी आए थे साथ में, चाचा के लड़के हैं दो आए थे। तो मतलब वो थोड़े छोटे हैं तो अक्षु के साथ ना खेलते रहते हैं वो। तो मतलब जैसे वो जाने लगे ना घर को, तो तभी ना अक्षु रोने लग गया कि मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा चल ठीक है, चला जा। तो आज ना उसका मामा उसे छोड़ने के लिए आएगा। तो अब मतलब समय हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं, तो अब वो शाम को छोड़ने आएगा। वो मतलब वहाँ पे ना रुक नहीं रहा है बिल्कुल भी, कह रहा है मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। तो इस वजह से जो है ना उसे छोड़ने के लिए आएगा उसका मामा। और ना गर्मी की हालत इतनी ख़राब है, मतलब गर्मी में हमारी हालत इतनी ख़राब हो रही है, क्या बताऊँ आपको। इतनी गर्मी लग रही है। ये जो मैंने मतलब ये वाला जो सूट पहना है ना, ये ऊन की कढ़ाई वाला सूट है, तो अंदर की तरफ ऊन है, तो वो ना इतनी चुभ रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ना दिन में ना हमारे यहाँ लाइट नहीं आती बिल्कुल भी। आएगी 9 बजे, आएगी सुबह के, और 9 बजे से 11 बजे तक चलेगी और फिर भाग जाएगी। जिस टाइम पे मैं मतलब खाना वगैरह बनाती हूँ ना, उस टाइम पे लाइट चलती है, पर जिस टाइम पे मैं मेरा सोने का टाइम होता है ना दोपहर का, उस टाइम पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आती। और ना गर्मी में मरते रहो बस। और इन्वर्टर हो रहा है ख़राब, इन्वर्टर हो रहा है ख़राब, इन्वर्टर पता नहीं कब ठीक होएगा। अब कह रहे हैं अक्षय के पापा, कह रहे हैं कि ये मतलब ये सर्दियों के बाद ही, अब सर्दियों में तो पंखा चलाया नहीं जाएगा, बैटरा नया लिया जाएगा, तुम नया बैटरा लेंगे। और देखो पसीने में देखो पूरा मुंह ना बिल्कुल चिपचिपा हो जाएगा, इतना चिपचिपा हो जाता है मुंह, गर्दन वगैरह सब, और मेरे ना कपड़े बहुत भीग जाते हैं पसीने से। तो बस यही था, मैंने चूल्हे का उद्घाटन किया था तो उसकी थोड़ी वीडियो है। चूल्हे का मतलब उद्घाटन किया था तो उसकी थोड़ी वीडियो क्लिप ली थी मैंने, तो वो ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मैंने बनाया था खाने में, साग बनाया था पालक का और रोटियां बनाई थी, तो बस सिंपल सा यही खाना बनाया था और ज़्यादा कुछ नहीं। और रास्ते में आ जा रहे हैं ना लोग, तो मुझे देख रहे हैं। और तो फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, बस यही कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करना। अभी मेरा थोड़ा नया नया चैनल है, तो मुझे ना टाइम लगेगा अभी अपना चैनल मतलब चलाने में। मुझे ना दिमाग में बातें भी नहीं आती किस तरीके से मैं बातें करूँ। मैं बचपन से ही मैंने ना मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, ना ही मैं ज़्यादा बातें करती हूँ, बस मतलब ऐसे ही कोई जवाब, मतलब कोई सवाल कर रहा है उसका जवाब दे दिया, या कोई बातें कर रहा है उसके बीच में जाके बैठ गई, चुपचाप बैठ गई, मतलब ज़्यादा जवाब नहीं देती। ये ज़्यादा बात तो करनी नहीं आती मुझे, मतलब जिस तरीके से चटर पटर बोलते रहते हैं ना, इस तरीके से मेरे से नहीं बोला जाता। पर कोशिश करती हूँ, अब ना मुझे आदत डालनी पड़ेगी ब्लॉग बनाने में, ना बोलना तो पड़ेगा ही। तो बस यही था। और अगर मतलब यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करना, और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब। नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट करो, उससे ना मेरा मतलब थोड़ा ऊपर बढ़ूंगी मैं। मेरे ना बीच में ही अटक गए हैं अभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, तो वो अभी 500 भी नहीं हुए हैं, और समय लगेगा, पर समय के साथ मुझे ना थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि मतलब घर बैठे आप आराम से सब कुछ हो जाता है, मेहनत भी करनी पड़ती है इंसान को, तब जाके कुछ होता है। तो यही था बस। और शायद अक्षु को लेकर, अक्षु के मामा आ गया है तो उसे देखती हूँ मैं।
तो ना शाम का समय हो गया था, मतलब 6:30 बज गए थे। तो मतलब झाड़ू लगाने के बाद गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो पसीने में सारे कपड़े भीग भी गए थे मेरे। तो उसके बाद मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। और खाने में मैं मतलब हमारे घर पे ज़्यादातर शाम को चटनी वाली रोटी खाते हैं, तो मैं हरे धनिया की चटनी बनाऊँगी। तो नहाने के बाद ना मैं चटनी बनाऊँगी, तो चटनी के लिए मैंने हरा धनिया लिया है, प्याज काट लिया एक छोटी सी, और कुछ हरी मिर्च ले ली हैं। तो उससे मैं ना ये चटनी बना लूँगी। ये वाली चटनी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और अक्सु के पापा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाली चटनी, हरे धनिए की। और पुदीने की चटनी भी बहुत शौक से खाते हैं वो। तो ये ना मेरे मतलब 2 दिन चल जाएगी, मैं फ्रिज में बना कर रख लूँगी। मैं जितना भी धनिया लाए थे पापा अक्षु के, तो वो ना मैं सारे धनिए की चटनी बना लूँगी। तो आज भी लग जाएगी और कल भी लग जाएगी ये चटनी। तो मैं इसे ना कटोरी में पाकर और ढक के फ्रिज में रख दूँगी ना, तो ये 2 दिन ख़राब नहीं होएगी बिल्कुल भी, और इसी से मेरे 2 दिन का काम भी चल जाएगा। शाम को ज़्यादातर हमारे घर में चटनी ही खाते हैं, तो इस वजह से मैं 2 दिन के साथ ही बना लेती हूँ। और मिक्सी का जार मेरा थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो मैं इस वजह से मिक्सी में नहीं बनाती हूँ। और मिक्सी में है ना अक्सर के पापा कहते हैं वो ज़्यादा पतली हो जाती है, तो मुझे वो अच्छी भी नहीं लगती, तो उसे ठीक कराऊंगी मैं। और अब आटा गूंद कर रख लूँगी मैं अपना। और मैंने ना चूल्हे पर जो पोचा मिट्टी होती है उसका मतलब उसकी लिपाई कर दी थी, तो वो थोड़ा सूख भी जाएगा, तो इतने में आटा गूंदूंगी इतने वो सूख जाएगा। मैंने ना इसकी लिपाई जो है लगभग टाइम हो रहा होगा 3:30 या 4 बज रहे होंगे, उस टाइम पे करी थी मैंने, और बाद में लगाई थी मैंने झाड़ू। तो जी फ्रेंड्स, शाम का समय हो रहा है 6:30, 6:30 बज गए है ना। अब आज जाएगा चूल्हे का उद्घाटन भी, सूख गया, बस पोता मट्टी फेरी है, जो पोचा मट्टी सफ़ेद वाली हो गए ना वो फेर दी, तो वो फेरी थी 3:30 बजे, तो अब वो भी सूख गई। तो अब मैं शाम का खाना चूल्हे पे बनाऊंगी। और ना देखो ताज़ी ताज़ी लौकी आई है घर, मौसी का लड़का देखा गया है, पास में घर है, मतलब पास में दूसरा गांव है, तो वहाँ मौसी रहती है मेरी, तो वहाँ से जो है ना ताज़ी ताज़ी लौकी आई है, ये देखो, ये पता नहीं कौन सी लौकी है, गोल, और ये हैं, ये घर की लौकी हैं, मौसी के घर की लौकी। और ना अक्सु के पापा गए हैं खेलने, वो क्रिकेट खेलने गए हैं, इस टाइम रोज़ डेली वो क्रिकेट खेलने जाते हैं। और अक्षु गया है अपने पड़ोस में अपनी बुआ के घर खेलने के लिए, तो मैं सिर्फ मतलब यहाँ पे मैं अकेली बैठी हूँ बस। इन्हें मैंने मतलब आटा लगा के रख दिया और चटनी बना दी है, हरे धनिए की चटनी बनाई है। और अब होएगा इसको चूल्हे का उद्घाटन भी हो जाएगा, फिर ना मैं इस पर ही बनाए करूँगी मतलब खाना वगैरह इस पर बनाए करूँगी ज़्यादातर। अभी देखो ये पशु खड़े हैं, और ये ना भी पानी पियेंगे, भैंस तो इधर बांध दी। ये गई चूल्हे पे पहली रोटी उद्घाटन में, पहली रोटी गोल आई है देखो बिल्कुल। मैं चकला बेलन से सेकती हूँ ज़्यादातर, और आज ना मैं हाथ से सेक रही हूँ, नहीं तो मैं चकला बेलन पे घी लगाऊंगी और पेड़ा रखूंगी, अब बस बेल के और तैयार रोटी। क्या हो रहा है, आयो खिलौना बना रहा है,
खराटे हो रहे हैं। अरे पैर सुन गए गारे में। बस